नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मिथुन लगन वाले जातकों का भाग्य रत्न कौन सा है, भाग्य रत्न के साथ साथ विशेष लाभ के लिए आप और कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और आपका भाग्य मंत्र कौन सा है, अर्थात कौन सा मंत्र जाप करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, प्रत्येक लगन के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग मंत्र निर्धारित किए गए हैं। भाग्य मंत्र वह होता है जो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह को बल प्रदान करता है। साथ ही साथ में आपको कौन से व्रत करने चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण उपाय मिथुन लगन के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा पूरा एपिसोड मिथुन लगन वाले जातकों के लिए विशेष है। दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके भाग्य रत्नों के विषय में और उसके बाद में मैं आपका भाग्य मंत्र और उसके जपने की संपूर्ण विधि आपको बताऊंगा। ग्रह को मजबूत करने के लिए दो विधियों पर हम काम करते हैं, रत्न धारण करके और उस ग्रह से संबंधित देवता का मंत्र जाप करके। दोनों ही विधियां बेहद सटीक हैं और काम करती हैं, जातक को लाभ पहुंचाती है। तो दोनों ही विधियों पर आज चर्चा होगी। दोस्तों, मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध, तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए और सभी भावों को सपोर्ट के लिए पन्ना तो आपको पहनना ही पहनना चाहिए। आपके नवे घर में पड़ती है कुंभ राशि, तो आपके नवे घर के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं शनि महाराज। तो आपका भाग्य रत्न है नीलम। अच्छी श्रेणी का श्रीलंका का शुद्ध नीलम पहनकर आप अपने कार्य को ग्रोथ दे सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। नीलम के साथ आप पन्ना और एजुकेशन में और यंत्र मंत्र की यदि आप साधना करते हैं उसमें सफलता के लिए आप फायर ओपल पहन सकते हैं। मेरा मिथुन लगन है और मैं तीनों रत्न बचपन से ही पहनता हूँ, बहुत लंबे टाइम से पहनता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके भाग्य मंत्र के विषय में। दक्षिण भारतीय ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक प्रश्न मार्ग में ग्रहों के अधिष्ठात्री देवताओं का वर्णन मिलता है। शनि के अधिष्ठात्री देवता हैं भैरव जी महाराज। भैरव जी महाराज की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में शनि राहु केतु तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है वह बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आप किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके या किसी भी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करके ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप नियमित रूप से करें। इससे आपके जीवन में शनि के प्रभाव अच्छे होंगे और शनि राहु केतु के बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। एजुकेशन के लिए आप ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे या ओम दुम दुर्गाये नमः या दुर्गा जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको शनिवार को कुत्तों को तेल के पराठे खिलाने चाहिए, इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और अच्छी जॉब के योग बनेंगे। अमावस्या के दिन भी आप कुत्तों को तेल के पराठे खिला सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से आप अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार गरीब लोगों को, जरूरतमंद को काले जूतों का, कंबल का दान अवश्य करें और यह दान आप शनिवार के दिन करें। यह दान करने से भी आपके धन में बरकत रहेगी और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। या तो प्रत्येक अमावस्या को या महीने के पहले शनिवार को आप भैरव जी के मंदिर अवश्य जाएं और साल में एक बार देवी के किसी भी सिद्ध स्थान में जाकर के बड़ी पूजा पाठ करें और भंडारा करें। तो दोस्तों, आपको यदि आपका मिथुन लगन है तो आपको साल भर के अंदर ही आपको बहुत तरक्की अपनी दिखाई पड़ेगी और आपको लाभ जो होंगे वो आश्चर्यजनक रूप से होंगे। तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो ना करते हुए मैंने इस वीडियो में मिथुन लगन का भाग्य रत्न, आपके भाग्य को चमकाने के लिए मंत्र और बस दो तीन सटीक उपाय आपको बताए हैं। दोस्तों, यह उपाय निश्चित रूप से काम करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है गंगाराम राशि रत्न केंद्र,
उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सही और सटीक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, और राशि रत्न खरीदने के लिए मुझे आप सीधी सीधी कॉल भी कर सकते हैं, ज्योतिष फ्री है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ, भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।